दिसंबर और जनवरी की ठंड में अगर आप सीड जर्मिनेट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और स्वागत है आपका गार्डनिंग विद गोविंद यूट्यूब चैनल के एक और स्पेशल वीडियो में। आपको यहां सामने दो डिजिटल थर्मामीटर दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड वाला थर्मामीटर ओपन एटमोसफियर दैट मीन्स अभी बाहर के टेम्परेचर को बता रहा है जो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये मेटल का पार्ट टेम्परेचर को मेजर करता है। दूसरा थर्मामीटर जो लेफ्ट साइड में है, इसमें टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बता रहा है। ये एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए मिनी ग्रीन हाउस के अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर का टेम्परेचर बता रहा है। मेटल का पार्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर डाल रखा है ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर हमें पता चल सके। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी ठंडे होते हैं और नाइट का टेम्परेचर कभी कभार 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। सीड को जनरेट होने के लिए जनरली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जरूरत रहती है, तो ऐसे केस में ये मिनी ग्रीन हाउस आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है। इसको बनाना कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं है, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ये आपको एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत रहेगी। कार्डबोर्ड की हाइट उतनी ही हो कि इसमें सीडलिंग के कप को आसानी से रख सकें। ज़्यादा हाइट का लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाइट का ज़्यादा लेने से टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो हमारे काम का नहीं है। इसके अलावा ज़रूरत रहेगी एक प्लास्टिक की सीट की जो इस कार्डबोर्ड को कम्प्लीटली कवर कर सके। प्लास्टिक को चिपकाने के लिए टेप और कैची भी साथ में रख लीजिएगा। तो पहले इसको एक साइड से कम्प्लीटली कवर करना है, प्लास्टिक एक साइड से चिपक जाए, उसके बाद में इसके अंदर जो सीडलिंग के कप है वो डाल देना है। एक बार सीडलिंग के कप डाल दें तो उसके बाद में इसको चारों ओर से सावधानी से चिपका देना है। मैंने अभी इसके अंदर सीडलिंग कप नहीं डाले हैं इसलिए मैं इसको ऊपर नीचे उल्टा सुलटा कर रहा हूं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान रहे इसमें किसी टाइप का हॉल नहीं हो, इसमें हवा पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो गया है हमारा मिनी ग्रीन हाउस। तो दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर अभी 20.3 डिग्री सेल्सियस है और जो हमने मिनी ग्रीन हाउस बनाया है उसका टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, इसको दिन में एक बार 12 से 1 बजे के आसपास कंप्लीट खोल के जरूर देखना है। जो सीट जर्मिनेट हो गया है उसको बाहर निकाल देना है। ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। एक बार जब इसका टेम्परेचर 30 के आसपास हो जाता है तो फिर रात भर इसका टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में आराम से रह जाता है, जो सीड के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपके विचार और सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी गार्डनिंग।